दोस्तों एक सर्प रेस्क्यू करने आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा सर्प है। तो हम आगे, आप वीडियो पर बने रहिए, चलिए रेस्क्यू करते हैं। तो देख दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कोबरा स्नेक है, यहाँ घुसा हुआ है एक कमरे में। तो चलिए हम इसे अभी रेस्क्यू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ हाँ गुरु, ए डिबला डिबा 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 काय आणि रे स्वा है हर बहुत दिन लगे क्या बात है यार। देखते हैं देखते हैं देखते रोई गोदी नीता देखा जन तीन वाले हो थे ना, यहां में तीन, ये में बैठो, ये में करत थे काज ना अच्छा था, ये कहां थे करत थे आरंभ हो। अरे मोबाइल दिखा गैया या गैया तो कर दिया नंदी तो नंदी बाबा है बकरी बजावा लाल के ये कुकुरा किधर है? तो दोस्तों अभी हमने एक सर्प रेस्क्यू किया है, कोबरा जो नाग, भारतीय नाग कहते हैं इसे, और इसमें ये बहुत ही जहरीला सर्प होता है। ये भारत का दूसरा सबसे जहरीला सर्प है, पहला है करैत, इंडियन करैत, और दूसरा नाग, और फिर तीसरा रसल वाइपर। ये तीन ही भारत में सबसे जहरीले सर्प पाए जाते हैं, जिसमें से दूसरा नंबर है। तो चलिए हम इसे अभी पैक करके जंगल की तरफ छोड़ देंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमने एक सर्प रेस्क्यू किया है, जिसे अभी हम इस यहाँ रिलीज करने आए हैं, पीछे जंगल है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम इसे रिलीज करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक कोबरा रिलीज किया, चलिए हम इसे देख सकते हैं। ये कोबरा है, इसी को नाग, इसी को भारतीय नाग, इसी को कोबरा कहते हैं। ये बहुत ही जहरीला सर्प होता है,
यही इसी को भारतीय नाग बोलते हैं और इसी को कोबरा बोलते हैं। हमने इसे अभी रेस्क्यू किया था, एक घर में निकला था, तो आप देख सकते हैं इसकी पहचान। इसका सबसे मुख्य पहचान यही है कि ये इसका फना आप देख सकते हैं, ये काफ़ी गुस्सेला हुआ है। तो हम इसे अभी जंगल की तरफ छोड़ देंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देख सकते हैं दिन इसी तरह जब होता तभी ये इस तरह की हरकत करता है। हम इसे रिलीज कर देते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं इसे अभी हम रिलीज कर देंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। नाग इस तरह जा रहा है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इस तरह यह अपने गंतव्य की ओर चला जाएगा। तो आप मेरे चैनल गग्गू सरपमीत को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और जीव को बजाते हुए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।